Wi-Fi 6 सबसे नया और फास्टेस्ट वर्जन है Wi-Fi का, लेकिन इस साल Wi-Fi 6 में कुछ एडिशनल चेंजेस हुए हैं जो इसे कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे ले जाती है। तो क्या है वो एडिशनल चेंजेस, आइए शुरू से शुरू करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े डेटास को नेटवर्क के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। जितना अच्छा नेटवर्क होगा उतना अच्छा डेटा ट्रांसफर होगा। तो ये डेटा ट्रांसफर का सिलसिला 802.11 से शुरू हुआ, जिसे हम आज वाईफाई के नाम से जानते हैं। तो वेल नोन वाईफाई 2003 में आया था 802.11g, जिसे हम वाईफाई थर्ड जनरेशन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आया वाईफाई फोर्थ जनरेशन 2014 में 802.11ac इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसे हम वाईफाई फिफ्थ जनरेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सब में 802.11ax ने आके धूम मचा दी। कुछ कंज्यूमर्स को समझने में काफी तकलीफ होती है, इसलिए वाईफाई इंडस्ट्री ने डिसाइड किया इसे हम वाईफाई 6 कहेंगे। वाईफाई 6 ये थोड़ा सिंपल है, राइट? ये वाईफाई 6 डिजाइन किया गया है एक ही जगह से बहुत सारे डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफर करने के लिए, विच इज मोर एफिशिएंट देन बिफोर। इमेजिन एक ऐसे सिचुएशन जहां पे आपको मारने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तभी अचानक से आपके एक्स्ट्रा हाथ आ जाते हैं। दो हाथों से आप दो या तीन लोगों को मार सकते हो, लेकिन मल्टीपल हाथ से पूरा का पूरा झुंड मार के गिरा सकते हो। तो हम हकीकत में ऐसी सिचुएशन में सिर्फ भाग सकते हैं। हमारे एक्स्ट्रा हाथ तो नहीं ग्रो हो सकते, लेकिन राउटर्स के हो सकते हैं। टेक्निकली ये पॉसिबल है वाईफाई 6 के साथ, विच मीन्स दीज राउटर्स आर रियली गुड एट मल्टीटास्किंग, जिसमें आप बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, विच इज मोर एफिशिएंट देन वाईफाई 5। जिंदगी में रफ्तार ना हो तो हम पीछे रह जाते हैं और रेस हार जाते हैं। तो रेस जीतने के लिए हमें रफ्तार की जरूरत तो पड़ेगी ही। ये वाईफाई डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज करता है इन फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड, जिसे कहा जाता है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इन शॉर्ट क्वाम। Wi-Fi 6 इन चीजों में काफी बेटर है Wi-Fi 5 से, क्योंकि Wi-Fi 5 में राउटर्स केपेबल थे 256 क्वाम, जो सिर्फ 8 डिजिट के बाइनरी कोड्स को ट्रांसफर कर पाते हैं। Wi-Fi 6 में इसे बढ़ाकर 1024 क्वाम कर दिया है, विच मीन्स ये 10 डिजिट बाइनरी कोड्स ट्रांसफर कर सकता है। दिखने में ये काफी छोटा चेंज लगता है, लेकिन ये ही सबसे बड़ा कारण है कि Wi-Fi 6 कैन मूव डेटा अबाउट 30% फास्टर देन Wi-Fi 5। Wi-Fi 6 के साथ आपको मिलता है फास्टर टॉप स्पीड और बेटर एट मल्टीटास्किंग। तो ये सारी बातें Wi-Fi 6 की हो गई, लेकिन Wi-Fi 6 में क्या चेंजेस हुए हैं? Wi-Fi 6 ई क्या होता है? अब जिन लोगों को नहीं पता, उन लोगों के लिए ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंडेड। अब तक Wi-Fi सिर्फ 2.4 या 5 GHz बैंड डिवाइसेस ऑपरेट करते थे, लेकिन FCC ने इसे बढ़ाकर 6 GHz कर दिया है। तो Wi-Fi 6E devices सिर्फ ऐसे devices है जो पूरे 3 bands को operate करता है। ये 6 GHz का band इन सब में से बड़ा है। Wi-Fi 6E में आपको 160 MHz wide channel मिलता है। सिंपल भाषा में ये कुछ ऐसा होगा जैसे एक्सप्रेस वे में rooms create कर देना, जिससे कि traffic create नहीं हो, data freely transfer हो सके। तो ये सब कुछ आपको Wi-Fi 6E के साथ मिलता है। Wi-Fi 6E को यूज करने के लिए आपके डिवाइसेस में भी Wi-Fi 6E का सपोर्ट होना चाहिए। So, ये डिवाइसेस के प्राइस आप हमारे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।